हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज ए टू जी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2004 में आई एक अमेरिकन एक्शन फिल्म वॉकिंग टॉल को। यह मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में लीड रोल्स में है ड्वेन द रॉक जॉनसन। इस फिल्म का बजट था 46 मिलियन डॉलर्स का और इसने कमाई की 60 मिलियन डॉलर्स की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमारे WWE वाले भैया द रॉक को दिखाया जाता है, जिसके कैरेक्टर का नाम क्रिस वॉन है। वह US आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट से अपनी ड्यूटीज खत्म करके वॉशिंगटन में अपने छोटे से होम टाउन में लौट रहा है। रास्ते में वो देखता है कि लकड़ी की मिल में ताला पड़ा है। लकड़ी की मिल उस टाउन में रोजगार का मेन साधन थी। तभी वहाँ टाउन का शेरिफ आ जाता है। क्रिस उससे पूछता है कि मिल कब से बंद है। शेरिफ उसे बताता है कि मिल 3 साल से बंद है, लेकिन यहाँ एक कसीनो खुल चुका है। तुम्हें कसीनो में जाके अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। बातें करते हुए शेरिफ क्रिस को पहचान जाता है और उसे उसके घर तक लिफ्ट देता है। घर पे ड्रॉप करते हुए शेरिफ उससे कहता है कि इस महीने शेरिफ के इलेक्शन होने वाले हैं, तुम मुझे वोट करना। ये कह के शेरिफ वहाँ से चला जाता है। घर में क्रिस से मिलकर उसके मॉम, डैड और उसकी सिस्टर बहुत खुश होते हैं। रात में डिनर के टाइम उसका भांजा पीट भी उससे मिलता है। क्रिस उससे कहता है कि बाहर बारिश होने वाली है, तुम्हारे टेंट में पानी भर जाएगा, मैं तुम्हें टेंट लगाना सिखा देता हूँ। पीट उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिस के बचपन का दोस्त रे उससे मिलने आता है। दोनों बैठ के पुराने दिन याद करते हैं। रे क्रिस को बताता है कि उसके जाने के बाद रे को ड्रग्स की आदत लग गई थी, लेकिन अभी वह ठीक हो चुका है। रे क्रिस को कहता है कि आज सैटरडे है और पुराने दिनों की तरह बाकी फ्रेंड्स रग्बी खेलने के लिए फील्ड पर उनका वेट कर रहे हैं। ये दोनों फील्ड पहुंच के सबसे मिलते हैं। तभी वहां जे हैमिल्टन अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। जे हैमिल्टन एक अमीर आदमी होता है जिसका फादर लकड़ी की मिल का मालिक था। फादर के मरने के बाद जे ने लकड़ी की मिल बंद कर दी और यहाँ कैसीनो खोल दिया है। दोनों टीम गेम खेलती हैं। गेम खत्म होने के बाद हैमिल्टन क्रिस और उसके साथियों को शाम को कैसीनो में इनवाइट करता है। शाम को क्रिस और उसके साथी कैसीनो में जाते हैं। वहाँ हैमिल्टन उनसे कहता है कि आज के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। क्रिस को उसके दोस्त एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। वहाँ एक लड़की स्क्रीन में डांस कर रही थी। वो लड़की क्रिस से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही है। यह कहकर वो लाइट ऑन करती है। इस लड़की का नाम डेनी था। वो पहले क्रिस की गर्लफ्रेंड थी। क्रिस को देखकर डेनी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर क्रिस अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पे गेम खेलने जाता है। यहाँ एक फ्रेंड के कहने पर क्रिस $200 6 नंबर पे लगाता है, लेकिन डाइस रोल करने वाला आदमी डाइस चेंज कर देता है। उसे डाइस चेंज करते हुए क्रिस देख लेता है। डाइस रोल करने पर 7 नंबर आता है और क्रिस पैसे हार जाता है। क्रिस उस आदमी से कहता है कि डाइस चेंज करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। फिर क्रिस अपने सारे पैसे 7 नंबर पे लगा के सबसे कहता है कि 7 नंबर पे पैसे लगाओ, साथ ही आएगा। सब लोग 7 नंबर पे अपने पैसे लगा देते हैं। वह आदमी क्रिस को मना करता है कि सर ये आपकी चांस नहीं है, लेकिन क्रिस डाइस रोल कर देता है। डाइस में दोबारा 7 नंबर ही आता है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मैनेजर कहता है कि किसी को इस चांस का पैसा नहीं मिलेगा। तभी वहाँ सिक्योरिटी से एक आदमी क्रिस को रोकता है। क्रिस बताता है कि तुम्हारी डाइस में गड़बड़ी है और पूछता है कि तुम्हारे इस फ्रॉड का तुम्हारे मालिक को क्या पता है। फिर क्रिस अपने पैसे टेबल से उठाने लगता है। तभी सिक्योरिटी वाला क्रिस को पीछे से पकड़ के उस पर अटैक करता है। जवाब में क्रिस उसे उठा के टेबल पर पटक देता है। क्रिस और उसके दोस्त वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में क्रिस सभी सिक्योरिटी वालों को बहुत पीटता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो क्रिस को मार कर बेहोश कर देते हैं।
जब क्रिस को होश आता है तो वह एक कमरे में एक टेबल पे लेटा होता है। एक आदमी क्रिस की स्पेशल फोर्सेस वाली चेन ले लेता है और बेरहमी से उसके चेस्ट में चाकू से कई जगह काट देता है। फिर यह लोग क्रिस को कहीं अनजान रास्ते में अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रिस हॉस्पिटल में होता है। यहाँ शेरिफ डॉक्टर से कहता है कि उसे क्रिस के ब्लड में अल्कोहल की रिपोर्ट चाहिए। क्रिस की बहन भी पुलिस वाली होती है। वह शेरिफ से कहती है कि तुम्हें उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने मेरे भाई की ये हालत की है, ना कि उसका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। शेरिफ कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह सब किसने स्टार्ट किया था, मुझे इसमें पूरी रिपोर्ट बनानी है। फिर वो वहां से चला जाता है। रे क्रिस से मिलने हॉस्पिटल आता है। क्रिस की हालत बहुत खराब होती है। रे क्रिस को कहता है कि अब ये टाउन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ दिन बाद क्रिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। वो घर पे ही आराम करता है, एक्सरसाइज करता है और सही हो जाता है। कुछ दिन बाद उसके पास हैमिल्टन आता है। वह क्रिस से बोलता है कि मैंने उस डाइस रोल करने वाले आदमी को जॉब से निकाल दिया है और उसका परमिट भी कैंसिल कर दिया है। क्रिस उससे कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। तो हैमिल्टन उसे सफाई देता है कि उसके आदमियों को डेली बदमाशों से डील करना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। हैमिल्टन क्रिस को कैसीनो में हेड ऑफ सिक्योरिटी बनाने का ऑफर देता है और रुपयों से भरा हुआ एक पैकेट देता है। क्रिस उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। हैमिल्टन वहां से चला जाता है। क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है और शेरिफ से अपनी कंप्लेंट लिखने को कहता है। शेरिफ कहता है कि केस क्लोज हो चुका है। क्रिस कहता है कि यह गलत है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शेरिफ कहता है कि यह मेरा शहर है, यहाँ मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम लकी हो जो जिंदा बच गए। असल में शेरिफ भी हैमिल्टन से मिला हुआ था। क्रिस वहां से वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में डेनी क्रिस से मिलने आती है। वो उसे एडवाइस करती है कि तुम शेरिफ का इलेक्शन लड़ो। इसी बीच पता चलता है कि क्रिस के भांजे पीट ने ड्रग्स ले लिया था जिससे उसकी हालत खराब हो गई है। ये देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लड़के से पूछता है कि तुम्हें ड्रग्स कहाँ से मिले। वो बताता है कि कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड से ये ड्रग्स मिले। क्रिस अपनी गाड़ी लेकर कैसीनो की तरफ निकल पड़ता है। वो लकड़ी का एक फट्टा लेकर कैसीनो के अंदर जाता है। कैसीनो के अंदर वो सिक्योरिटी के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बाहर निकल जाता है, जिसे थोड़ी दूर जाकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जेल में क्रिस का लॉयर उससे कहता है कि केस में नॉर्मली 18 साल की सजा होगी, लेकिन तुम्हारा अच्छा आर्मी रिकॉर्ड होने की वजह से तुम्हें बस 3 महीने की जेल और कम्युनिटी सर्विस करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। क्रिस कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। कोर्ट में कैसीनो वाले सब लोग क्रिस के खिलाफ गवाही देते हैं। ओपोजिशन का वकील कहता है कि क्रिस एक हाईली ट्रेंड और खतरनाक आदमी है। एक सिंपल लकड़ी के फट्टे से इसने 6 सिक्योरिटी स्टाफ को बुरी तरह घायल कर दिया। क्रिस का वकील उसके डिफेंस में कुछ नहीं बोलता। फिर क्रिस कहता है कि मैं अपना केस खुद ही लड़ना चाहता हूँ। जज उससे कहता है कि यदि आपने अपना केस खुद लड़ा तो आप फिर हायर कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे। क्रिस अपना केस खुद ही लड़ता है। वो जूरी को बताता है कि मैं इस टाउन में बड़ा हुआ, यहाँ लोग पहले सर उठा के चलते थे, यहाँ के लोग कभी भी मिल के बदले कैसीनो नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि छोटे बच्चों को ड्रग्स बेचा जाए। मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत नहीं था और अगर आप मुझे बरी करते हो तो मैं शेरिफ का इलेक्शन लड़ना चाहूंगा और अगर जीता तो मैं इस शहर को पहले जैसा अच्छा बना दूंगा और ये किसी के साथ नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो अपनी चेस्ट जूरी को दिखाता है, जहां कैसीनो के गार्ड्स ने उसके साथ क्या किया था। उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा कटे हुए निशान थे। थोड़ी देर बाद कोर्ट अपना फैसला देती है जिसमें क्रिस को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है।
कोर्ट रूम में सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्रिस शेरिफ भी बन जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो पुराने पुलिस वालों को निकाल देता है और रे को अपना डेप्यूटी शेरिफ बना लेता है। फिर ये दोनों ड्रग्स बेचने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों कैसीनो वाले सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं और उसके गाड़ी के अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। घर पे क्रिस अपने फादर को एक शॉटगन देता है और उनसे सावधान रहने को कहता है। यहाँ जेल में रे उस सिक्योरिटी वाले को परेशान कर रहा होता है। क्रिस आके रे से कहता है कि मेरे घर जाकर मेरी फैमिली का ध्यान रखो, आज रात में मैं पुलिस स्टेशन में ही रहूंगा। रात में डेनी डिनर लेकर क्रिस के पास आती है और वहीं स्टेशन में रुक जाती है। सुबह होते ही पुराना शेरिफ अपने दो आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन में हमला कर देता है। वो लोग लगातार गोलियां चलाते हैं। जेल में बंद सिक्योरिटी वाला क्रिस को बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्रिस उससे पूछता है कि हैमिल्टन ड्रग्स कहाँ बनाता है। वो बता देता है कि लकड़ी की मिल में हैमिल्टन का वर्कशॉप है। क्रिस सिक्योरिटी वाले को बचाने जाता है लेकिन उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। क्रिस अपने शॉटगन से शेरिफ और उसके दोनों आदमियों को मार देता है। वहां क्रिस के घर पे भी हैमिल्टन के तीन आदमी क्रिस के परिवार पर हमला कर देते हैं, लेकिन रे दो लोगों को गोली मार देता है। इसी में रे के पैर में भी गोली लग जाती है। क्रिस अपने घर पहुंच जाता है। तीसरा आदमी रे और क्रिस पर गन तान देता है, लेकिन क्रिस के फादर उसे गोली मारकर दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद क्रिस अकेला मिल की तरफ हैमिल्टन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। यहाँ दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। फाइनली क्रिस हैमिल्टन का एक पैर तोड़ देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। फाइनल सीन में दिखाते हैं कि क्रिस और रे कैसीनो को ताला लगा के निकल रहे हैं। ये मूवी एक शेरिफ की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।